देखते हैं न्यू टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल सुनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल अभी छोड़ दे ना, काइनेटिक्स के बारे में सोचो। फिजिक्स में पढ़ा नहीं मगंथ में, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होता है? मोशन है ना, जहां पर बात किया जाता है स्पीड के बारे में। ये होता था वहां पर, पढ़ते थे काइनेमैटिक्स है ना। काइनेमैटिक्स में जहां पर क्या होता था कि सर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता था उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, तो उसके पास कुछ स्पीड आता था, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता था। उस टाइप से ही अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर कोई केमिकल रिएक्शन कहीं भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन में कुछ स्पीड होगा है ना। कितने स्पीड से हो रहे हैं रिएक्शन? अगर जैसे अगर मान लो एक एसिड बेस डालते, एसिड पे जब बेस डालते ना बहुत हाईली रिएक्ट कर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब वो चेंज कर गया। जैसे सिंपल सा बनते अपने लाइफ में, पटाखा तो छोड़ा ही होगा, उस पटाखे में जब आग लगाते हो तो जब वो एक्सप्लोड करता, विस्फोट होता है जब वो, तो उस विस्फोट का समय अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कौन सी रिएक्शन उस बारूद में हुआ था, तो तुम्हें क्या पता चल पाएगा? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब वो रिएक्शन इतनी फास्ट हो गया है, मतलब वो रिएक्शन इतना कम टाइम लिया है कि हम उतने टाइम में उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। इसका मतलब वो रिएक्शन वेरी फास्ट, हाँ बहुत ही फास्ट हो गया वो रिएक्शन, इतना कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सके। दूसरा बात करो रस्टिंग ऑफ आयरन। एक दिन में क्या एक आयरन का पार्टिकल लेते, एक आयरन का विंडो लेते, खिड़की लेते, गेट लेते, कुछ भी, क्या एक दिन में वो रस्ट हो जाता? नहीं, उसे रस्टिंग होने में महीनों लग जाते, 15 दिन 20 दिन जब मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहता है, फिर भी एक समय में या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद देखेंगे तो उसमें चेंजिंग कुछ नहीं दिखाई देगा हमें। 20 दिन 50 दिन महीनों तक उसमें क्या होगा? रस्टिंग नहीं रहेगा, मतलब वो धीरे धीरे रस्ट हो रहा होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन होने में क्या हो रहा है? टाइम अधिक लग रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो एक अगर रिएक्शन कम टाइम ले तो ज्यादा स्पीड है, ज्यादा टाइम ले तो कम स्पीड है, उसे वेरी स्लो रिएक्शन कहेंगे। एक है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे तूने खाना खाया, तुम्हारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। हम 10th में पढ़े ना बायो में कि प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है, ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब एनर्जी, ये सब फॉर्म में टूटता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम अगर है, तो वो कर क्या रहा है? एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। अब वो सोचो एक बार तुम खाना खाते हो 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम रहता वो, उसके बाद फिर से तुम्हें क्या होती है? तुम्हारी बॉडी की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिर से तुम फूड लेते हो। इसके बाद तो वो 6 घंटा जो टाइम कैलकुलेट कर पा रहे हो ना, उसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो 6 घंटा जो है हम जाने 6 से 7 घंटे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन न ज्यादा टाइम ले रहा है और न कम टाइम ले रहा, मतलब ये कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट। तो अगर स्पीड की बेस पे देखा जाए, तो स्पीड की बेस पे देखेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? मॉडरेट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मतलब 3 टाइप का रिएक्शन आएंगे है ना। अगर 3 टाइप का रिएक्शन है तो ये किसके बेस पर है? स्पीड के बेस पर है। तो हम यही बात करें काइनेमेटिक्स, मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि सर एक केमिकल की बात कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें। हम फिजिक्स वाले बात नहीं करेंगे कि फिजिक्स में सर वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड रखे या वेलोसिटी रखे, स्कैनर होगा, वेक्टर होगा, ये यहाँ पर केमिस्ट्री में स्कैनर वेक्टर का कोई नाम नहीं आता है ना। यहाँ पर सिर्फ स्पीड भी लिखा रहेगा या तो वेलोसिटी या रिएक्शन भी लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वेक्टर स्कैनर की बात नहीं होगा, डायरेक्शन कहीं भी नहीं जाने वाला इसका रिएक्शन का है ना, वो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही होता है। केमिकल रिएक्शन का एक ही डायरेक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जाना या तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आना, वही वाइस वर्सा एक्विलिब्रियम का कंडीशन लेकर के आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया
कि अगर डिफाइन करने के लिए कहे कि केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। तो लिखो डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। उसके बाद इसी को लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, अभी तो बताए कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर स्केलर फैक्टर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यह हम इसको लिख सकते हैं, एक नया नाम देते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के व्यू से, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और तुम्हारी बुक में यही लिखा रहेगा कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, वो नहीं लिखेगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो क्या लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब सोचो रेट कहने का मतलब क्या है, टाइम्स की बात कर रहे हैं, जब भी रेट की बात होती है कहीं पर भी, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो साइंस का कोई पार्ट हो, तो रेट कहने का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में काम की जाती है। तो अगर सोचो कि कोई ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर टी इज इक्वल टू जीरो पर मान लेते हैं इसका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, या फिर ऐसा मानते हैं कि एक बर्तन है इसमें 10 मोल ए रखा हुआ है, और ये बर्तन जो है वो 2 लीटर का बर्तन है, 10 मोल ए रखा है, तो ये 10 मोल अगर रहा होगा तो सोचो अगर एक बर्तन में सिर्फ क्या रखा हुआ, रिएक्टेंट रखा हुआ है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइम को जीरो किया, टाइम जीरो मतलब अभी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम की जरूरत होता, हमने टाइम को जीरो लिया है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट मेरा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा ना। अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं पिछले टॉपिक में, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 10/2 मोल पर लीटर हो जाएगा, मतलब 5 मोल पर लीटर रहा होगा, इनिशियली तो यही रहा होगा, आफ्टर 3 मिनट के बाद हम बात करते हैं कि बी जो है वो कुछ बन गया है, है ना। 10 मिनट के बाद बात करते हैं कि बी मान लो क्या बन गया, लेते हैं किसे 3 मोल पर मीटर बन गया, ये 3 मोल पर मीटर बन गया, तो अगर 3 मोल पर मीटर बन गया इसका मतलब क्या है कि ये तो घटा होगा तब ना ये बना, बिना अगर ए नहीं घटेगा तो बी बनेगा नहीं, जब तक रिएक्टेंट को डिक्रीज नहीं कराओगे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये 3 मोल पर लीटर आया तो इसका मतलब इसमें से कुछ घटा होगा, कितना घटा, तो सर अगर ये जीरो था, 10/2 था, 5 मोल पर लीटर था तो ये जीरो था, तो अगर 3 मोल पर लीटर गया तो 3 मोल इधर से घटा होगा ना, अगर मानो नहीं पता है तो एक्स घटा होगा, अभी तो हमें पता है कि सर 3 मोल उधर गया, हम जनरल रिएक्शन की बात कर लेंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर बचा कितना, 5 में से 3 चला गया तो 2 मोल पर मीटर बच गया। अब सोचो अगर रेट की बात करें कि कितने रेट से ये चेंज हुआ है, हम एक रिएक्टेंट की बात करते हैं, फोर रिएक्टेंट की बात, तो रिएक्टेंट हो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, इनिशियली कितना था 5 मोल पर मीटर, और इसको 5 मोल से 2 मोल पर मीटर होने में कितना टाइम लग गया, 10 मिनट। हम पढ़ते थे ना ऐसा फिजिक्स में कि सर अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसको 10 मीटर पर सेकंड होने में कुछ टाइम लग जाता तो उसको एक्सेलरेशन कहते कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये ना,
रेट ऑफ रिएक्शन को एक और टर्म से डिवाइड कर सकते हो कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन या प्रेशर में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे गैसियस रिएक्शन होंगे, है ना। और बहुत सारे जब गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां पर कंसंट्रेशन नहीं, क्या यूज होगा, प्रेशर यूज होगा। तो सोचो फोर रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो सर ए तो इसकी रेट की बात करेंगे तो क्या लिखोगे कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करोगे क्या, नहीं होगा। और वाई क्या करोगे, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम मिल जाएगी, टाइम टेकन। अब सोचो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकाल, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, यही कहते हो ना, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन तुम्हारा कितना आया, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ रिएक्टेंट का, तो 2 - 5 यही आएगा ना। तो सर यहां पर दें सी फाइनल माइनस सी इनिशियल और वाई डेल्टा टी, कोई दिक्कत है क्या, सी फाइनल तो 2 mol/L है सर, है ना, और ये क्या है 5 mol, मतलब 5 mol/L है। और वाई टाइम टेकन कितना हुआ, 10 मिनट, अगर सेकंड में रखेंगे तो सेकंड में रहेगा, सेकंड ही रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर टाइम का यूनिट ऐसा नहीं कि मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिनट है तो मिनट में रखेंगे, सेकंड है तो सेकंड में रखेंगे, आवर है तो आवर में ही रखेंगे। तो अगर इतना लेते हैं तो बताओ यहाँ पर कितना गया, -3/10 mol/L/s, कोई दिक्कत है क्या। अब कहोगे सर ये माइनस, तो देखोगे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर यहां तो माइनस आ गया, तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि सर इसकी कंसंट्रेशन उतने रेट से डिक्रीज कर रहे। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो रिएक्टेंट है, पहचान है इस चैप्टर का, है ना, कि जहां नेगेटिव दिखे वहां मतलब वो रिएक्टेंट की बात हो रहा होगा, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कोई कह देगा कि सर -2 से घट रहा है, -2 से घटेगा क्या, 2 से घट रहा होगा या तो 2 से बढ़ रहा होगा, अगर माइनस लगा इसका मतलब कौन घट रहा है, रिएक्टेंट, ये घट के ये बन रहा ना, मतलब ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये माइनस साइन जो होता है, नेगेटिव साइन जो होता है वो इंडिकेट करता है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को, या डिसइंटीग्रेशन कहता कि कम रहा है, कौन कम रहा है, रिएक्टेंट कम रहा है, इसका आंसर नेगेटिव साइन क्या बताएगा, कमरे वाले की बात बताएगा, कोई दिक्कत। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था ये कि सर हमारे पास रेट क्या होता है, तो रेट को हम लिख सकते हैं यहां पर लिख देते हैं, है ना, कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, या लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन टाइम। यूनिट लिख सकते हो इसका, यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का मोम पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोम पर मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो मोम पर मीटर सेकेंड, प्रेशर का एटीएम और टाइम का सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड, हो सकता है, है ना। तो ये कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, हम नॉर्मली बात करते हैं हर एक रिएक्शन पर, अभी तो रिएक्टेंट की बात हुआ था, हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट का, कॉपी कर लेना इतना, उसके बाद आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करते हैं प्रोडक्ट का। अगर सोचो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना होता तो प्रोडक्ट के बारे में हम क्या लिखते, वही लिखते ना, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, ये कहते हैं बाय टाइम टेकन। तो बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है ना, सी एफ माइनस सी आई बाय टी लेने थे या डेल्टा टी लेने थे, तो सी एफ फाइनल कितना है 3, इनिशियल कितना है सर 0, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं 0 में, तो 3 - 0 और बाई टाइम टेकन तो वही 10 सेकेंड, मतलब 5 - 3/10 आ गया ना। यहाँ 5 साइन क्या इंडिकेट करेगा, 5 साइन इंडिकेट करेगा सर ये पॉजिटिव है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है,
इतने रेट से इंक्रीज कर रहा है और ये इतने रेट से डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर नोट करके लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेट रेट ऑफ रिएक्टेंट रहेगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स रेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की पहचान प्लस और माइनस होगी, है ना। यहाँ पर एक और नोट यहाँ पर लिखवा देते हैं सेकेंड पॉइंट में, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट ये लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, वो डिक्रीज बताएगा इंक्रीज बताएगा, लेकिन वो हमें कहेगा कि दो से घट रहा, तीन से घट रहा, पांच से घट रहा है, या पांच से बढ़ रहा, दो से बढ़ रहा, चार से बढ़ रहा, कुछ भी बताएगा। बट ये नहीं कहेगा कि माइनस दो से, माइनस दो क्या रेट क्या होगा, जीरो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिएक्शन, ये ना। अगर रेट जीरो है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो ही नहीं ना, माइनस में होगा तो कब का रिएक्शन होने वाला है, पॉसिबल ही नहीं आता। इस कारण से हम रेट को ऑलवेज क्या रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। चलो ये तो एक नॉर्मल पार्ट हुआ कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, है ना। हम इसको और भी अच्छे तरीके से डिराइव करते हैं, देखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक है, बोर्ड हो या कंपटीशन, बोर्ड में हमेशा 10-12 नंबर रहा है इसका, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स होता है, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, सीडो ऑर्डर, तो ऐसे में एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है बोर्ड का, बाकी 2-3 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है। तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इससे बनेंगे, और बाकी कंपटीशन के लिए तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, कोई भी कंपटीशन हो 1 से 2 क्वेश्चन इतना रहेगा, क्योंकि चैप्टर इतना ज्यादा है, 1 से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें, और जो क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी होगा। चलो इसके बाद लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बेस पे, रेट के बेस पे। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रेट इज कम टू इसे चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, प्लस माइनस तो वो इंडिकेट करेगा क्या, अगर ऐसी बात है तो हम लिख देते हैं प्लस माइनस, प्लस शो करता प्रोडक्ट का, माइनस शो करता है रिएक्टेंट का। तो सोचो अगर डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा मतलब रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो इसमें पहला रिएक्शन लिखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका मतलब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी को बहुत छोटा करेंगे तो आर का वैल्यू, रेट को हम इसलिए आर से, है ना, तो आर का वैल्यू क्या होगा, वेरी लार्ज बनेगा, बहुत फास्ट होगा, वेरी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन मेरा क्या कहा जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल में तो जितने भी आयनिक रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन जितने भी है ना, आयनिक रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन जो भी आएगा वो सबका सब मेरा क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, या स्लो रिएक्शन भी लिख सकते इसको, वेरी स्लो रिएक्शन मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या होने वाला है, डेल्टा टी का वैल्यू बहुत बड़ा होने वाला है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो रेट क्या करेगा, डिक्रीज, तो डेल्टा टी इज वेरी लार्ज, अगर इसको बहुत बड़ा कर दे तो रेट क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर रेट वेरी स्मॉल हो गया इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल में से तो रस्टिंग ऑफ आयरन, माइनिंग ऑफ कोल या कोम फॉर्मेशन, या ऐसा लिखते हैं फॉसिल्स फॉर्मेशन, है ना, फॉसिल्स फॉर्मेशन, अब ये दोनों का दोनों रिएक्शन
हम क्या कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते, दोनों रिएक्शन स्टडी नहीं कर सकता। एक वेरी फास्ट है, पंख झपकते हैं रिएक्शन कंप्लीट। बताओ तुम्हारे पास टाइम नहीं मिला उसको पढ़ने का, क्या वैसा रिएक्शन स्टडी करना पॉसिबल है क्या? एक रिएक्शन की वर्षों चल रहा है, कोई मैं कहा वरना 1000 वर्ष 1200 वर्ष, क्या एक साइंटिस्ट बैठ जाए पढ़ने के लिए उसके और डेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करे, क्या वो कंप्लीट रिएक्शन होते होते तक बचेगा जिस रिएक्शन 600-700 साल चल रहा है? इसमें तो वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन हम पढ़ नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। इसमें इसको लिख देते हैं कि कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली। मेजर तो कर सकते हैं सर, बट सही मेजरमेंट नहीं आ सकता। Cannot be measured accurately, है ना। कभी भी हम accurately measurement इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये reaction पंख झपकते ही हो जाता है और ये reaction बरसों ही यूज कर लेता है, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, accurate measurement नहीं कर सकते इसका। तो हमें इस chapter को जो पढ़ना होगा वो तो accurate measurement पे पढ़ना होगा, और जब एक्यूरेट मेजरमेंट पे पढ़ना होगा इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन को निग्लेक्ट करके हमें किसी और तरीके का रिएक्शन पर जाना पड़ेगा जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, है ना, जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, हम उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट जानते हैं मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन, है ना। मॉडरेट रिएक्शन लिखते हैं कि टाइम पीरियड इज नॉट टू स्मॉल या टू मच, ना ही छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, मीडियम में रहनी चाहिए, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, इस टाइप से अगर रहेगा तो उसका स्टडी हम लोग कर सकते, है ना। तो वैसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, एक्यूरेटली मेजर्ड होगा, है ना। और एक्यूरेटली मेजर होगा जिससे हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास H2O2 जो है वो क्या होता है, जब ब्रेक करता है तो H2O+O2 इस तरह से बना, तो अब इसको बैलेंस कर लेना बाद, है ना। तो ये जो मेरे पास टूट रहा है ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओम बायोलॉजिकल रिएक्शन, ओम मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा, मॉडरेट होगा, है ना। तो ये कहने के मेरे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने को मिला जो स्पीड के बेस पर था। हमने वेरी फास्ट की बात किया, वेरी स्लो की बात किया, और किसका बात किया, मॉडरेट का बात किया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ केस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी बेसिक बेसिक बात होगा आज का क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास से अच्छा बात होगा इसमें, जहां से क्वेश्चन आएगा। अभी बेसिक थोड़ा देख लेते हैं इसका। इसमें टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैसा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का। अगर सोचो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पूछे थे, क्या आप कहते थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। इनिशियल मतलब क्या होता था, पता था ना, बी बराबर यू बराबर सी टी, डी वी बराबर क्या, डीएक्स वाई डी टी। तो कहें कि अगर अभी स्टार्ट ही होने वाला है तो उसे इनिशियल कहा जाता है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए बात करनी है, इसे 2 घंटे, अगर हम अभी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, दो क्या हुआ कि अगर 10 घंटे तक चले तो बताओ अगर इतने देर में मेरी एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा। तो हो सकता है एवरेज वेलोसिटी में कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन उतना डिस्टेंस अगर यहां से चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, हमने 200 मीटर की दूरी तय किया और हमें यहाँ पर क्या मिला कि 10 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड मिला, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेते थे,
तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। या ऐसा कहे कि दो, क्या होता है कि 200 मीटर की दूरी हम 10 सेकंड में तय कर लिए, तो एवरेज कितना होगा, तो डिवाइड करते थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वैसा ही यहाँ पर भी पढ़ना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट में हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आर इज कम टू, अगर हम बात करें पहले रिएक्टेंट का, है ना, फूड रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो आर इज कम टू आएगा माइनस डेल्टा से बाई डेल्टा टी, या डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी, कोई दिक्कत। अगर हम यहां पर ही फोर प्रोडक्ट की बात करें, बाकी तो जानते हो माइनस क्यों यूज कर रहे हो रिएक्टेंट के लिए, ये बता दिया पीछे, तो इसको ऐसा भी आंसर देते ना, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाई डेल्टा टी। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि अगर रिएक्टेंट है तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होने वाला, छोटा होने वाला, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है डिक्रीज करता जा रहा और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी फाइनल इज लेस देन सी इनिशियल, है ना, रिएक्टेंट के टर्म्स में फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा, इस कारण से यह वैल्यू किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। तो अगर यहाँ पर ऐसा करके हम इसको नेगेटिव लगा लेते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, सी इनिशियल माइनस सी फाइनल बाई डेल्टा टी, लिख सकते नहीं लिख सकते, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है जहां पर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं। अब अगर देखो, अगर इसके ग्राफ देखा जाए, है ना, अगर इसके ग्राफ देखते हैं तो यहां पर देखो एक चीज और देखना है, पे हम जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे ना इस चैप्टर में वो कंसंट्रेशन होगा। हम यहां पर अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो समझना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और एकदम टाइम का स्लोप नहीं है। तो एक समय इसकी कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो पर सी नॉट मान लेते हैं, कुछ तो रहा होगा। अगर रिएक्टेंट को आर माने हो तो यहां पर लिख सकते हो ना आर नॉट, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहा होगा और ये धीरे धीरे क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये धीरे धीरे क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा होगा इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगा, स्लोप इसका तो टाइम थीटा ना, स्लोप जो होगा वो क्या बताएगा, अब यहां से हमको पता करने के लिए क्या करो दो टाइम पीरियड लेंगे, यानी वही देगा माइनस डेल्टा सी, क्योंकि स्लोप कैसा नेगेटिव जा रहा, नेगेटिव जा रहा, तो माइनस डेल्टा सी वाई क्या दे देगा डेल्टा टी। कैसे भी दो पार्ट लगोगे कि सर ये टी वन टाइम पर है, यहाँ पर टी टू टाइम पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया इसकी कंसंट्रेशन मांगो सी इनिशियल हो गया और यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो गया सी फाइनल हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा सी और ये हो जाएगा क्या डेल्टा टी, है ना। टाइम थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी लगाओगे, पी वाई बी लगाओगे क्या आएगा माइनस डेल्टा सी वाई डेल्टा टी आएगा। तो ये तो एक रिएक्टेंट की बात हो गया, हो जाएगा यहां से। चलो नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट का, फोर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करो तो यही माइनस करेगा क्या हो जाएगा आर इज कम टू प्लस डेम सी बाई डेम टी, या फिर प्लस डेम पी बाई क्या हो जाएगा डेम टी हो जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा इसको मिलते तो ना सी फाइनल और माइनस सी इनिशियल बाई चेंज इन टाइम, इसका मतलब यहां पर समझेंगे कि सी फाइनल इज ग्रेटर देन सी इनिशियल, है ना। तो प्रोडक्ट में सी फाइनल जो होगा वो सी इनिशियल से क्या होगा ज्यादा होगा, समझ में आया। पीछे हम क्वेश्चन किए थे
अब सोचो अगर इसकी ग्राफ मांगता, इसकी ग्राफ मांगता कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम की, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो सोचो प्रोडक्ट टीज कम टू जीरो टाइम पे कहां था, जीरो पर, वो धीरे धीरे बढ़ा ना, बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर वो धीरे धीरे बढ़ा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती चलेगी, बढ़ते चला गया। अगर इसका स्लोप निकालोगे तो इसकी स्लोप जो होगा टाइम थीटा, ये देगा क्या, प्लस डेम सी वाई डेम टी, देगा या नहीं देगा, कोई दिक्कत, तो उसमें डिक्रीजिंग था, इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग रहेगा। और ऐसे भी कंसंट्रेशन का ना तुम्हें इस तरह से भी दे देगा इंक्रीजिंग, क्योंकि एवरेज कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, स्टेट लाइन ऐसा कि नहीं कॉन्स्टेंट से वो चंगा होगा, तो ये केमिस्ट्री का ग्राफ में तुम्हें स्टेट बहुत कम मिलने वाला है, हाँ ना, वो जिग-जैग ही चलेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी करेंगे ना, ये थोड़ा घटेगा बढ़ेगा कहीं भी रहेगा, एवरेज का है तो कहीं भी करेंगे। चलो ये तो मेरे पास कुछ एवरेज कंडीशन का आ गया, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, बहुत सा बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल के अंदर, है ना, मतलब डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो हो जाए, बहुत छोटा सा टाइम, एक सेकेंड दो सेकेंड की बात करें, तो हम इसको लिखते थे डी टी, कहते थे कि अगर मांगो एवरेज वेलोसिटी, भी एवरेज होता था तो हम लिखते थे ऐसा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और अगर भी डी भी निकालना होता था छोटा सा वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस, तो इसको लिखते थे डी वी बाई सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते थे ना, तो हम लिखते थे डी एस बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देते थे, तो वो डिफ्रेंशिएशन वाला जो पार्ट होता था वो मेरा क्या होता था, इंस्टेंटेनियस होता था, है ना, छोटी सी टाइम इंटरवल की बात करेगा तो इंस्टेंटेनियस होगा, यहां पर भी छोटा सा टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो डी टी लिखा जाएगा उसको। तो अगर इसके में फॉर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में क्या करोगे, सब कुछ वही लिखा जाएगा, सिर्फ आर इज इक्वल टू डेल्टा का जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन, लिख सकते हैं डी सी बाई डी टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। और अगर इसका हम ग्राफ देखें, ऐसा लगने थे अगर यहाँ टाइम की बात करें और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, अगर मान लो इस तरीके से ये घट रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, स्लोप खींचेंगे, हाँ ना, एक छोटा सा टाइम का स्लोप खींचेंगे, यहाँ पे छोटा सा टच कर रहा होगा ये इस टाइप से, तो इतने दूर का निकालना होगा हमको, एक बार यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ये छोटा सा पार्ट आएगा, ये आएगा, है ना, यार ये छोटा सा टाइम को T1 T2 को हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक dt है, और भी छोटा लेंगे, ये तो दिखाने के लिए इतना किया गया, है ना, यहाँ C final, C initial है, इसको क्या लेंगे, this, negative sign क्या करता है, reactant की बात करता, अगर यही फोर प्रोडक्ट होता, अगर प्रोडक्ट की बात करते तो मेरे पास क्या आता, R is come to plus dc by dt, पढ़ा ना। और अगर इसे हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और भाई क्या टाइम का बात करते तो ये क्या होता जाता, बढ़ जाता, अगर बढ़ जाता इसकी स्लोप निकालना होता तो स्लोप क्या होता, किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ आता है, और इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो इसकी जो स्लोप होता वो मुझे क्या देगा, यानी इसका जो स्लोप होगा वो भी हमें देगा डी सी बाई डी, कोई दिक्कत,
तो ये कहने के हमें क्या होगा कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में देखे दो टाइप का, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कंसंट्रेशन दे दे ए माइनस अल्फा टी और इसको डीटी के रूप में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या आएगा, ए का कांस्टेंट है इसका कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगा, अल्फा टी का डिफरेंशिएशन टी आ जाएगा, और टी का तो जीरो पर कह दे, टी का तो टू पर कह दे तो उसका आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो कहने के लिए तुम्हें क्या होगा, इसके बेस पर आएगा तुम्हारा। तो ये हमें एक क्या होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात हो जाएगी इसका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देख लो इसको सही से। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएजेंट, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएजेंट ये थोड़ा समझना, रिएजेंट को ये नहीं मत रिएक्टेंट समझ लेना, रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है ना, आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ऐसा मत करना कि रिएजेंट की जगह रिएक्टेंट पढ़ के गया और रिएक्टेंट के काम कर लिया, तो वो गलत होगा, ठीक। अब अगर सोचो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्शन सिंपल देते हैं कि एंटो प्लस थ्री एस्ट से बनता है 2NH3, 2NH3 है ना, और अगर यहां कह दे कि T इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, है ना, जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियली 0 था, तब वहां पर ये कितना मोम था, 1 मोम, 3 मोम, 2 मोम, ऐसा दे, है ना, कि सर ये 1 मोम था, 3 मोम था, 2 मोम था, जो इसका स्टोइकोमेट्री है, सिंपल ये बात कर रहे हैं। कह दे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंजप्शन ऑफ एंड, सोचो ये खुद सोचना, तुमने मोम कॉन्सेप्ट पढ़ के आयो, तुम्हें लिमिटिंग एक्सेस का कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें स्टोइकोमेट्रिक पढ़ के आयो, ये जो आगे में नंबर रहता है वो क्या बताता है, स्टोइकोमेट्री, ये बताता ना। अगर हम सोचो स्टोइकोमेट्री में क्या कहते थे कि अगर एक N2 यूज हुआ तो कितना हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, 3, तो ये कितना बनेगा, 2, ये होगा ना। अगर हम मान ले कि ये X यूज हो गया तो कितना होगा, 3X बनेगा, कितना, 2X, ये होगा ना। तो अगर हम ऐसा लिखे कि रेट ऑफ कंजप्शन मतलब यूज होना, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू X, ठीक। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, सॉरी N2 में H है ना, और H2 कितना हो जाएगा, तो एक तो ये कितना, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3X। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितना आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितना होगा, 2X होगा, ही नहीं होगा। अब सोचो इसका रेट लिखने का एक तरीका बताते हैं, सिंपल सा तरीका, रेट इज इक्वल टू क्या होगा कि इसकी डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डी एंटो बाई डीटी, कोई दिक्कत, चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट टाइम, जो फॉर्मूला ये डिफिनेशन है तुम्हारा वो तो वही है, इज इक्वल टू माइनस डी एस टू बाई डीटी माइनस डी एस टू बाई डीटी, ठीक, और इज इक्वल टू, सॉरी यहां लिखते
फैमिली बना हाँ यंगस्टर ऊपर से कि माइनस डी एन टू बाई डी टी चलो समझते हैं इसका रेट कितने बराबर एक्स का रेट ऑफ कंजप्शन तो रेट ऑफ कंजप्शन का क्या लिखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन टू बाई डी टी को कितना मान लिए एक्स तो बताओगे कि डी एच टू बाई डी टी कितना होगा थ्री एक्स होगा या नहीं होगा ये चीज लिख रहे हैं फॉर्मूला के फॉर्म में प्रोडक्ट है ना एन एच थ्री तो क्या लिखोगे प्लस डी एन एच थ्री बाई डी टी को कितना लिखोगे टू एक्स अगर सोचो सबके बीच में रिलेशन निकालना है एन टू डी टी के एच टू एन टू एच टू और एन एच थ्री के बीच में सबके बीच में रिलेशन निकालना तो सब अगर इधर थ्री को इधर मार दे टू को इधर मार दे तो सब एक्स बराबर हो जाएगा होगा या नहीं होगा बताएगा ना अगर यहां कर दे डी एच टू बाई डी टी बाई थ्री तो एक्स हो जाएगा वन टू थ्री ऐसा नहीं सकते तो ऐसा नहीं सकते यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हैं इस रेट को ऐसा नहीं सकते हो कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच टू बाई डी टी बाई थ्री थ्री आके डिवाइड हो गया कोई दिक्कत ये एक्स तो ये भी एक्स इज इक्वल टू इस तरह से समझ सकते हो प्लस डी एन एच थ्री बाई डी टी बाई टू सटीक नहीं यहां कुछ नहीं तो वन तो होगा ये वन थ्री और ये टू क्या है ये यही बना है मैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना ये क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये वन थ्री टू दिख रहा है नीचे क्या तो देखोगे ये जो वन टू थ्री किया ये क्या था तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये वन दिख रहा थ्री और टू ये सबका सब क्या है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है ना कोई दिक्कत तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दो अगर किसी भी रिएक्शन में देखना तुम्हें जब भी रिएक्शन देगा बैलेंस करके देगा अगर नहीं दिया तो मेरा रेट चेंज हो सकता है इस पर क्वेश्चन अभी करेंगे उसको समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है अगर रिएक्शन नहीं देगा तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा किसी और स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा दोनों का एक ही क्वेश्चन का रिएक्शन अलग-अलग आ जाएगा है ना दोनों के आंसर अलग-अलग आएगा क्योंकि वो अगर हम सोचो ये किसी ने यहाँ पर कर दिया टू एन टू यहाँ कर दिया क्या सिक्स एच टू यहाँ पर आ दिया थ्री क्या फोर एन एच थ्री अब उसका रेट ही चेंज हो जाएगा किसी ने कर दिया वन बाई टू एन टू यहाँ कर दिया थ्री बाई टू एच टू यहाँ कर दिया एन एच थ्री उसका रेट अलग आएगा इस कारण से जब भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो वो रिएक्शन बैलेंस करके देगा अगर नहीं दिया तो फिर गड़बड़ है ना और ऐसा आएगा नहीं कभी जब भी देगा वो क्या करेगा बैलेंस करके रखेगा अगर नहीं रहा तो फिर खुद से बैलेंस करके बनाएंगे और अपना तरीका देंगे कोशिश करेंगे जो स्टैंडर्ड कंडीशन जो बुक में लिखा रहता है उस टाइप से बैलेंस करें कोई नया तरीका ना मिलकर चलो यहाँ तक देखते हैं अब एक इन जनरल की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे सब पर बात करेंगे है ना जो ये तो क्वेश्चन का एक पैटर्न था जो हमें समझ में आनी चाहिए कि कैसे स्वयं करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का अगर इन जनरल रिएक्शन की बात करते हैं इन जनरम कि अगर ए ए प्लस बी बी ये आगे वहां क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक लगा रहता से बना सी सी प्लस डी डी यहां पे क्या है ए बी सी डी जो स्मॉल वाला है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कोई दिक्कत अब अगर सोचो इसके रेट लिखना कहे तो क्या लिखोगे अगर रिएक्शन रहा सिंपल तरीका सीखना अगर रिएक्शन रहा तो माइनस डी ए बाई डी टी ये तो कंफर्म और उसके बाद जो स्टोइकोमेट्रिक है उसे डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है ये भी रिएक्टेंट इसके बराबर क्या होगा माइनस डी बी बाई डी टी ये भी रिएक्टेंट है
इसके आगे जो है उससे डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी सी वाई डी टी, इसके आगे जो है उससे डिवाइड कर दो माइनस नहीं प्लस प्रोडक्ट है ना, इज इक्वल टू क्या होगा प्लस डी कैपिटल डी बाई डी टी और डिवाइड कर दो किससे डी टी। इसको और भी अगर इजी करके लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा माइनस डी ए बाई ए डी टी, कोई दिक्कत है ना। इसको मैं सकते हो माइनस डी बी बाई क्या लिख दे रहे बी डी टी, इसके अंक टू प्लस डी सी बाई सी डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे प्लस डी कैपिटल डी बाई डी डी, कोई दिक्कत। अगर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं उसके बाद बात करेंगे। लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेना तो सिंपल से रिएक्शन करते हैं H2 प्लस CM2 2HCl है ना। इसका रेट कैसे लिखोगे माइनस डी एच टू बाई डी टी, बैलेंस है ना, डी एच टू बाई डी टी बराबर माइनस डी सी एम टू बाई डी टी, और इसको क्या लिखोगे इससे डिवाइड कर दोगे तो प्लस डी एच सी एम बाई टू डी टी। सिंपल, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते ऑब्जेक्टिव में है ना, बहुत से घुमा फिरा इसको यहाँ कर देगा कि टू डी एच टू टू डी सी एम टू डी टी वाई डी एस सी एम वाई डी टी है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करेगा इसमें कन्वर्जन करके बट करने आता है ना, तो यहाँ से ये कर देगा इसको इधर ये कन्वर्ट कर जिससे इसको मिल सकता ना ऐसा, अगर ये दोनों का रिलेशन देखे तो मिल सकता है टू इंटू क्या माइनस डी सी एम टू और वाई डी टी इज कम टू प्लस डी एच सी एम वाई डी टी, क्या कोई दिक्कत है क्या। ई टू को इधर क्रॉस करवा दिया है ना, फिर तू उधर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा वेयर है, तो तुम्हें इस तरीके का चार ऑप्शन दे देगा उसमें एक एमसीक्यू तो इस टाइप का रहेगा, सिंपल एक रिएक्शन लिखेगा और उस रिएक्शन पे ये बात कर लेगा है ना। और अगर और भी देखो तो लिखोगे इस तो यही करते हैं एन टू प्लस थ्री एच टू या ऐसा लिखना टू एन टू प्लस सिक्स एच टू बनता है फोर एन एच थ्री, कोई दिक्कत बैलेंस की बैलेंस है ना, चार नाइट्रोजन और छ बारह, तो इसको क्या लिखोगे रेट लिखोगे माइनस डी एन टू बाई टू डी टी, इसको स्ट्रक्चर में से डिवाइड कर दिए इसका टू क्या होगा माइनस डी एच टू बाई सिक्स डी टी, इसका टू क्या लिखोगे प्लस डी एन एच थ्री बाई फोर डी टी, कोई दिक्कत। अब देखो हम क्यों कह रहे थे कि रिएक्शन जो होना चाहिए वो बैलेंस करके देनी चाहिए, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद हो गया। और देखो क्वेश्चन लिखो इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वेल्व मोल पर लीटर पर सेकेंड, और तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है N2 plus 3H2 2NH3, और इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें तीन कंडीशन देगा, एक तो पहले दे दिया कि कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, पहला कर दिया कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ N2, कोई दिक्कत। दूसरा कह दिया
कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, है ना। तीसरा कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, इस टाइप से कह दिया। सोचो क्या करोगे, हमको दिया क्या है 12 मोल पर लीटर पर सेकंड, किसका, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का। तो देखो यहां पर समझ करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखे तो उसने लिखा माइनस DH2/dt इज इक्वल टू कितना, 12 मोल, ये लिखा ना 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। उसने क्वेश्चन उतना दिया, अगर हम इस पूरे रिएक्शन का रेट लिखें कैसे लिखेंगे, रेट इज कम टू लिखेंगे इस रिएक्शन का किसे, डी एन माइनस में माइनस DN2/dt इज इक्वल टू डी माइनस DH2/ क्या करोगे DT/3 स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करोगे। और यहां पर क्या करोगे, प्लस DNH3/dt करोगे बाई कितना। तो अब सोचो सिंपल सा, यहां से इतना का वैल्यू हमें क्या दिया है, इतना का वैल्यू दिया 12, इसको यहां पुट कर दो तो कितना रहेगा 12/3 मतलब 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना आएगा 4, क्योंकि यहां कुछ नहीं है ना मल्टीप्लाई, तो कितना रहेगा। तो पहला के आंसर आ गया माइनस DN2/dt, इसका भी आ गया 4 मोल पर लीटर पर सेकंड आंसर आ गया, आया कि नहीं आ गया। इसका कितना आ गया 2 है, ये 2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कितना रहेगा 8 आएगा, 4 ये ऊपर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, है ना, कितना जाएगा 8। तो यहां से क्या समझते हैं, DNH3 सेकंड वाला कैंसर, समझते हैं यहां सेकंड वाला, देखो DNH3/dt इसका जो आएगा वो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये अब रेट निकालने का तो रेट बराबर ही है यही ना, तो रेट भी कितना आएगा 4, हर वाले रेट भी कितना आएगा 4, ये तो रेट ही निकला था, डिसअपीयरेंस का था तो स्टोइकोमेट्री से डिवाइड नहीं करते, रेट का था तो स्टोइकोमेट्री से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, है ना, स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया मतलब रेट है। देखो ये आ गया, अब अगर सोचो ये तो एक सिंपल सा टर्म्स हो गया क्वेश्चन का जो ऐसे करोगे, अगर सोचो क्वेश्चन बैलेंस करके नहीं देता, है ना, क्वेश्चन बैलेंस नहीं करता, एक स्टूडेंट इस टाइप से क्या करता बैलेंस करता, तो इसका रेट कितना आया 4। अगर एक स्टूडेंट जो है इसको ऐसा बैलेंस कर लिया, ऐसा 2N2 है, ये कितना है 4H2 है, और देखो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं सब कुछ वही है, हाँ ना, और ये हो गया कितना, सॉरी कितना हो गया 6H2 ना, 6H2 आ गया, हो गया 4NH3, ऐसा कर लेते। तो सोचो क्या करते हैं यहाँ पर DT/2 कर लेते हैं, करते ना, और यहाँ पर DT/6 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं 4। अब अगर सोचो 12/6 रखते कितना आता इसका रेट 2 आ जाता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 2 2 4 ये तो 4 ही आ रहा था, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 4 2 8 फर्क किसके ऊपर पड़ गया रेट पर, 4 के जगह रेट क्या आ गया 2 आ गया। तो अगर ये बैलेंस चेंज करोगे, अगर ये बैलेंस चेंज करोगे तो तुम्हारी रेट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वही रहेगा, बट तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सोचा जब हम N2+6H2N2+3H2 4N3 रखे थे तब ये इतना आया था, और जब इसको चेंज किए 2N2+6H2+4N3 रख दिए तो रेट कितना आ गया 2, घट गया ना, घट गया कि नहीं घट गया, अगर ये घट गया
इसका मतलब हमें क्वेश्चन जब भी होगा वो क्या करेगा, बैलेंस करके देगा। नहीं देगा तो हम उस एग्जाम सेंटर में जितना स्टूडेंट बैठा हुआ ना, सब अपने अपने तरीके से बैलेंस करेगा। कोई हो सकता है यहाँ से बैलेंस करने था कि सर हाफ, यहाँ पर करने था 3/2, यहाँ पर करने था क्या 1, अब उसका रेट अलग आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो जैसे बैलेंस, अगर सब अंग्रेजी में तरीके से बैलेंस किया है तो सबकी आंसर क्या होगी, चेंज हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। एग्जामिनर जब भी होगा तो क्या करके देगा, वो बैलेंस करके देगा, है ना। ये समझ में आ गया, चलो आ गया, पिच हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना। चलो कोई बात नहीं, देख लूंगा ध्यान से, उसके बाद सीखने से मतलब है कैसे होता है ये। देखो इस पर एक आईआईटी क्वेश्चन किया था हम, वो क्वेश्चन की थोड़ा सा इस पर पहले ट्रिक देखते हैं ना, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, नोट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस रिएक्शन, ओनली फॉर बैलेंस रिएक्शन। सोचना ये हमेशा बैलेंस पे ही काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस डिस अपीयरेंस अलग आ सकता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके ऊपर आएगा, हानी रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आएगा बैलेंस इक्वेशन के ऊपर ही आएगा, बैलेंस रिएक्शन के ऊपर ही आएगा। चलो आगे बात करते, एक क्वेश्चन है, एक पहले ट्रिक देखें, आराम है ना, N2+3H2, यहाँ कितना था 2NH3, पिछले क्वेश्चन में देखें इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना, 1, 3, 2, है ना, आसान ट्रिक है। देखो तुम्हें 1 का डिसअपीयरेंस दिया हुआ था ना, इसका डिसअपीयरेंस दिया हुआ था 12, क्वेश्चन दिया था पीछे, तो 12/3 किया कितना आया 4। अब सिंपल सोचो, 3 है तो 1 होगा, तो 4 है तो कितना होगा, बराबर है क्या, सही, सिंपल ऐसा सोचो, 12 दिया था ना अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस निकालना था, 3 है तो 1, 12 है तो कितना 4, इसका आंसर कितना था 4 आया था, 3 है तो 2, 3 है तो 2, 1 है तो कितना 2/3, 12 है तो कितना 2/3 × 12, मतलब ये कितना आता 8, डायरेक्ट आंसर आ जाता, है ना। तो एमसीक्यू रहे तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर तुम्हें डिसअपीयरेंस दिया हुआ है तो 1, 3, 2, तो तुम जान लो कि 3 गो है, अगर ये 3 कंजप्शन होता तो इसको 1 कंजप्शन होना पड़ेगा, तो अगर ये 12 कंजप्शन करता तो कितना कंजप्शन होगा 4, अगर ये 3 है तो 2 बन रहा है, 12 है तो कितना बनेगा 8 बनेगा, डायरेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है ना। एक अच्छा तरीका है जहाँ पर हम कर सकते हैं। देखो एक जेई क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन पर बात करते हैं उसके बाद अगले दिन। देखो जेई क्या क्वेश्चन था, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 6 ग्राम/L/s, 6 ग्राम/L/s, और रिएक्शन यही दिया हुआ है N2+3H2, और बनता है क्या 2NH3। तुम्हें मांगा है कैलकुलेशन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, बट हम तीनों निकाल लेते हैं जो भी पढ़ रहे थे, है ना। आईटी कहा था, एक ही चीज कहा था, N2 मार्क का डिसअपीयरेंस मांग रहे थे, हम तीनों निकाल लेते हैं, कैलकुलेट डिसअपीयरेंस ऑफ N2, दूसरा था कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ NH3, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत, देखो बच जनन वो गलत कहाँ किया होगा इस क्वेश्चन को,
यहाँ पर फंसाया इसने, 6 ग्राम दे दिया, जबकि रेट का यूनिट क्या पड़े थे, रेट दिया हो ना, तो मोम पर मीटर पर सेकंड पड़े थे। इसने क्या करके फंसा लिया क्वेश्चन को, ग्राम दे करके क्वेश्चन फंसा लिया, तो उस ग्राम को मोम में कन्वर्ट कर दो, किसका दिया, हाइड्रोजन का तो दिया है, तो मोम ऑफ एच टू क्या हो जाएगा, मोम रबर डोंग भाई यम, तो 6/2 मतलब 3। अब आ गया ना रेट माइनस डी एच टू बाई डी टी इसका टू क्या गया, 3 mm/s, अपना काम हो गया, हमको तो यही चाहिए था। उसने क्वेश्चन में कुछ किया नहीं, थोड़ा सा क्या क्या दे चेंज करके क्वेश्चन फंसा लिया, और सब यहाँ से यहाँ से मार के आ गया होगा, देखो क्या किया होगा सब, यहाँ रेट लिखा होगा सिंपल कि माइनस डी एन टू बाई डी टी, इसका तो कुछ है नहीं नीचे में, यहाँ पर दिया होगा कि माइनस डी एच टू बाई डी टी बाई 3, और यहाँ पर दिया होगा कि प्लस डी एन एच 3 बाई डी टी बाई 2, ये कर लिया होगा, और इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया होगा ये बना 6, यहाँ काटा हुआ तो गलत आ गया। अब अगर सोचो इतनी की वैल्यू ये रखे यहाँ पे, ये बना वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, अरे है ना 1, किसमें आया, मोम पर मीटर पर सेकंड में आया, आया कि नहीं आया। और अगर तो यहां से लिखते हैं कि रेट कितना आया, ये रेट बताएगा जब स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करेंगे, तो अब यहां पर देख लेते हैं सबका पहला का आंसर, यहां डी एन टू वाई डी टी, तो जितना रेट से ये है उतने ही रेट से ये होगा, तो डी एन टू वाई डी टी आ गया का 1 mm/l पर सेकंड। लेकिन सोचो अगर ग्राम में दिया होगा तो 1 mm N2 का ग्राम कितना, करो ना क्या होगा, मोम रबर डबल बाई एम नाइट्रोजन का कितना, 28, 1 mm है तो कितना आएगा, 28 ग्राम, ऐसे होता इसको सत्य था ऐसा, 28 ग्राम उसी का ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड, और नहीं और आईटी ने सोचो यहाँ पर क्वेश्चन देखो वो डायरेक्ट अगर तू यहाँ पर 6 रखता टू आता, और आईटी का क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही टू था, तो डायरेक्ट मारता सर 6/3 2 मतलब मेरा आंसर तो आ गया ना, ना वो 2 मार के आ जाता, जबकि 2 नहीं कितना होता, 1 है ना। अगर इसकी बात करो तो ये कितना आ जाता, 2 हो जाता ना, ये 2, तो डी एन एच 3 वाई डी टी का वैल्यू कितना रहता, 2 mm/s। और अगर इसको हम किस में लिखते, ग्राम में, तो एक तो यहां क्या हो जाएगा, 2 mm/s। अब सोचो 1 mm NH3 कितना होगा, अगर NH3 की बात करो तो 14 × 3 = 17, तो 2 mm का कितना हो जाएगा, 34 g/m/s। और रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा mm/s में ही रहता, वो ग्राम में नहीं आने वाला, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता, 3rd नंबर का आंसर 1 mm/s आ जाता, मतलब रेट इज इक्वल टू वही आता 1 mm/s, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, या इसके अगले दिन हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, है ना, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का मेन पार्ट है, तो इसका भी एक ट्रिक था, इस ट्रिक को देख लेते हैं, है ना, तो ट्रिक क्या था, वही काम करते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक वही था कि अगर देखो तुम क्या था, N2+3H2 से बना था 2NH3 इन बना, तो इसके स्टोइकोमेट्री 1 था, इसका कितना था 3 था, और ये कितना था 2 था, हाँ। अब अगर सोचो कि ये कितना 3 mm में कितना ग्राम था, 6 ग्राम था, और तुम्हारा क्वेश्चन दिया ही कितना था, 6 ग्राम ही दिया था, ये दिख रहा है पे देखते हैं, है ना, ये दिख रहा है N2 + 3H2
2NH3, ये कितना हुआ एक, ये कितना हुआ तीन, और ये कितना हुआ दो। अब देखो तीन मोंग में कितना ग्राम, सिक्स ग्राम, एक एस टू कितना ग्राम होता है दो ग्राम, तो तीन मोंग में कितना ग्राम था सिक्स ग्राम। अब तो क्वेश्चन सिक्स ग्राम दिया ही था तुम्हारा, यहाँ सिक्स ग्राम है ही, तो अभी जितना अगर ये क्या है कि तीन है तो एक है, तो अगर ये सिक्स ग्राम है तो ये भी उतना ही ग्राम होगा, होगा या नहीं होगा। सिंपल में सोचना कि सिक्स ग्राम, तो सिक्स बटा सिक्स कितने आएगा वन आ जाएगा, तो अगर ये सिक्स ग्राम तो ये भी कितना आ जाएगा 28 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 34 ग्राम। कोई दिक्कत, क्योंकि तीन मोम सिक्स ग्राम, और सिक्स ग्राम क्वेश्चन ही दे रहा है, तो उसके अनुसार से ये डायरेक्ट चलेगा, है ना। तो सिर्फ वेट से, तो ये मेरा क्या होगा कंप्लीट है आज का टॉपिक यहीं तक। कहाँ हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है ना, और वहीं से चलेंगे पूरी तरीके से समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटली होता है। चलो ठीक, रहने दो।